Thank you.
बोले नहीं डरा नहीं हूँ, डरना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आप अपने असली स्वरूप के दर्शन कराइए, मैं पल भर नहीं लगाऊंगा, अपना सर काट के आपके चरणों में भेंट चढ़ाऊंगा। अब तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारी रूप लेकर के प्रकट हो गए, बोलिए प्रणतपाल भगवान। भगवान ने देर नहीं लगाई तो भक्त ने भी देर नहीं लगाई, घुटनों के बल बैठा और अपने ही तीर से अपना शीश काटा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उस शीश के दानी की मन मंदिर में वास करो तुम बन करके प्रतिपाला, कि छोटे से बालक से मैंने क्या मांग लिया। भगवान कहने लगे, बालक मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे वो मांग लो। बालक हंसा, बोला जिसके सामने संसार का मालिक ही हाथ पसार के खड़ा हो वो क्या मांगेगा और क्यों मांगेगा, मुझे आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बस एक प्रश्न है मेरे मन में कि मेरा ही शीश क्यों। तो भगवान ने उत्तर दिया, बोलो खाटू शीश के, बोले बरबरी सुनो, ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, ये भाई भाई की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। और ये युद्ध एक सर का बलिदान मांग रहा है, वो सर या तो अर्जुन दे दे तो पांडवों का पक्ष हार जाएगा, धर्म की पराजय हो जाएगी, अधर्म जीत जाएगा और दुनिया में अधर्म का वास हो जाएगा। या वो शीश मैं दे दूं, क्योंकि मेरे बिना भी पांडव युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो भी अधर्म जीत जाएगा और धर्म हार जाएगा, और या वो शीश तुम दे दो तो धर्म जीत जाएगा और अधर्म की हार हो जाएगी। क्योंकि तुमने हारे के सहारे का वचन लिया है, परंतु इस वक्त युद्ध में पासा बिल्कुल पलट चुका है, अब कौरव हार रहे हैं और पांडव जीत रहे हैं, और तुम माता को दिए हुए वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, युद्ध खत्म नहीं होगा। धर्म की खातिर जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया वो 14 वर्ष का बालक सामने बैठा है, कोटि कोटि नमन करते हुए उनको देख करके कई बार मैं सोचती हूँ, उन माताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ जो अपने 18-20 वर्ष के बालक को बड़े गर्व से माँ बाप भेज देती हैं फौज में, ये जानते हुए भी कि वापिस आएगा तो चल के आएगा या तिरंगे में लिपट के आएगा कोई नहीं जानता है, फिर भी मेरी भारत माता के वो सपूत आज -44 डिग्री में खड़े हैं इतने इतने बर्फ के अंदर, ताकि आप और मैं यहाँ बैठ करके गा सके, आजादी की सांस ले सके और कह सके खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े वाला।
भजन को बीच में छोड़ के जाना अपराध होता है। बैठ जाओ, भजन पूरा होते ही चले जाना, बैठ जाओ, बीच में नहीं उठना चाहिए, अनजाने में अपराध हो जाता है, यहाँ पर नहीं छोड़ना। आएगा 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 बिचड़े सामना आएगा, मैं कीर्तन करवाऊं बाबा को
बुलाओ मैं जाके दरवाजे में खड़ी हो जाऊ। शर्मा जी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते, बहन जी नमस्ते, बाबा को वहां बैठा के मैं वहां खड़ी हो जाऊ। ऐसा कृपा नहीं करवाना, कृपा कर बाबा किरकट कर तू तुम्हारे दो रिश्तेदार कौन से कैसे? एक चरा में बन बन गैया, 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 एक हमारे शाम रचैया, एक हमारे शाम रचैया, एक हमारे शाम सुहाना, बीमार बैठे हैं, हाय लाखों मर गए अभी भी करोड़ों तैयार बैठे हैं, तो इजहार करके कहना, ताली बजा के कहना, बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना इतनी आराम से बैठे हुए देखा है भैया? फोटो खींच रही थोड़ी सी जरा, अब उसकी फोटो खींचना जो ऐसे बैठा है। मैं क्यों गाऊं, मैं क्यों नाचूं, मैं क्यों तारी बजाऊं? उसकी फोटो खींचना और बिल्कुल इतनी बड़ी जूम, फिर उनको भेजेंगे देखो आपके घर में कैसे बैठे थे। किसी पागल को आपने शांति से बैठे हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा भैया। और फिर एक तो पागल और ऊपर से भगवान का पागल, वो तो बिल्कुल ही शांति से ना बैठे। तो जिसका दिल करे अपने दिल को मना मत करना, क्योंकि भगवान के लिए नृत्य करने का अवसर बड़े भाग्य वालों को मिलता है। अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य करना जिसका दिल करे, जिसका दिल ना करे वो बैठे रहना। केवल भीड़ करने के लिए खड़े नहीं होना है, जो झूमे नाचे बनवारी तेरी यारी ने दीवाना कर डाला, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना कर डाला, दीवाना
तरसाना कर डाला तारी तेरी हारी ने दीवाना कर डाला। देखो जितने भक्त खड़े हैं वो दोनों हाथ उठाना और भगवान के साथ सात घेरे लेने हैं, सात घेरे, सात घेरे यानी सात जन्म का रिश्ता तो पक्का, बाकी की बात सातवें जन्म में कर लेंगे हम आपसे। तो दोनों हाथ उठाना अपनी जगह पे, सात बार फेरी लगाना नहीं के है। दिल दीवाना
में बस गए शाम लला, मन में बस गए शाम लला, भाई मुझे कैसे कोई और भला, भाई मुझे कैसे कोई और भला, भाई मुझे कैसे कोई और भला, गोल गोल गोपियों की तरह गोल धारा बना लो और केवल 5 मिनट है मेरे पास, बस 5 मिनट है। सारी मूछों वाली गोपियां और बिना मूछों वाली गोपियां सब गोल धारा बना करके कहेंगे हो मीठे नसे से भाई।